डिस्कस अबाउट फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, और फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में ये जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, इतनी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करना है हमें, फोर्स, एंड देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन होते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इनर्सिया एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर मोमेंटम। सो फर्स्ट वी डिस्कस फोर्स। तो फोर्स के बारे में आप जो पहले की जो क्लास है आपके सिक्स सेवेंथ एयर्थ और नाइन्थ में भी फोर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, यानी नाइन्थ क्लास में भी है, जहां पे हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और अब इलेवेंथ क्लास में फोर्स हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। जो तो फोर्स है क्या जरा, फोर्स को अगर आप डिफाइन करें, यानी फोर्स क्या है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट है। द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल विच टेंड्स टू द मोशन ऑफ अ बॉडी और ट्राई टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका फोर्स है वो एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी बॉडी को मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है या उसके मोशन को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई बॉडी है, अब आपने क्या किया कि इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी, इस ये जो बॉडी रेस्ट में है, इस बॉडी को या तो ये मोशन में आ जाएगी, ये कोशिश करेगा या फोर्स, या इसको डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा। यानी द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मेरे हिसाब से फोर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि फोर्स क्या होता है। अब फोर्स होता कितने टाइप का है, वैसे तो अगर हम फोर्स की बात करें बहुत टाइप के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत टाइप के फोर्स हैं यार। लेकिन जो दो कैटेगरी दी, आर टू कैटेगरी ऑफ फोर्सेज। फर्स्ट क्या है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकेंड आपका है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, यानी फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है जरा, द फोर्स विच कम इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज अंडर द कंसिडरेशन। यानी
ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये होता है आपका द कॉन्टेक्ट फोर्स विच कम इन टू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडीज। यानी अगर दो बॉडी हैं आपके बीच, ये इनके कॉन्टेक्ट के बीच, कॉन्टेक्ट बीच में यानी ये स्पर्श करें एक दूसरे, कॉन्टेक्ट में आए, इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका वो भी आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, टेंशनल फोर्स इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट इज दी ऑल कॉल्ड द कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। यानी कॉन्टेक्ट फोर्स आपका जो है द फोर्स विच कम ड्यू प्ले प्ले ड्यू टू द एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉडीज। यानी दो बॉडीज के बीच के कॉन्टेक्ट जो होता है उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल आपका इसका हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का है। अभी हम जब इसका नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रिक्शन चैप्टर ही है आपके सिलेबस में, वहां पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन फोर्स में डिस्कस करेंगे, जो फ्रिक्शन चैप्टर हमारा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट जो फोर्स आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी नेक्स्ट जो आपका है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच कम इनटू प्ले विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। यानी द फोर्स विच कम इनटू प्ले विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज अंडर कंसिडरेशन। यानी ऐसा फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में वर्क कर रहा हो लेकिन वो कॉन्टेक्ट में ना हो, कॉन्टेक्ट में ना, विदाउट कॉन्टेक्ट, जैसे एक ये बॉडी एक बॉडी इनके बीच में अगर फोर्स कोई वर्क कर रहा है उसको हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल आपका ग्रेविटेशन फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स, अगर इसको आप छोड़ दीजिए तो अर्थ क्या है, अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। यानी कोई भी कांटेक्ट ना हो बॉडीज, या अर्थ अराउंड द सन, मून अराउंड द सन, उसमें अर्थ और सन में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये क्या है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और भी एग्जाम्पल्स आपके इसके हैं, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल और नॉन कॉन्टेक्ट, या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स, अगर दो बॉडीज के बीच में कॉन्टेक्ट के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको कॉन्टेक्ट फोर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट का फोर्स का मतलब विदाउट कॉन्टेक्ट से अगर कोई फोर्स वर्क करे उसको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। यानी ग्रेविटेशन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्सिया, इनर्सिया, इनर्सिया क्या होती है यार, इनर्सिया एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया जो आपकी है वो जो एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है इनर्सिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट they do not change their state of rest or of uniform motion along a straight line path unless acted upon by the external force is called inertia। यानी एक ऐसी inherent property जो किसी body के motion को तब तक change नहीं होने देती है
या कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, तब तक वो चेंज नहीं होती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, तो ये आपका इनर्शिया हो जाएगी। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी फर्स्ट जो आप क्या है इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, मतलब अगर ये बॉडी कोई आपकी रेस्ट में है तो ये ट्राई करेगी रेस्ट में ही रहने के लिए, जब तक कि इस पे अनलेस एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट अप्लाइड, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अब ये बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को ही, इनहेरेंट एबिलिटी को ही हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बस या ट्रेन किसी स्टेशन या बस अड्डे पे खड़ी है, यानी कि वो रेस्ट में है, और उस पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, उस टाइम वो भी रेस्ट में है, और सडनली बस स्टार्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी बस मूव करना स्टार्ट कर दे अचानक, तो होगा क्या कि जो बॉडी आपकी है, जो पैसेंजर बैठा हुआ है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर जाएगा? क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो तो रेस्ट में थी, ट्रेन भी रेस्ट में थी, लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट मूव हो गई और मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो तो मोशन में आ गई, लेकिन जो बॉडी आपका जो थी, पैसेंजर की जो बॉडी थी, वो तो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी, इसलिए जो नीचे का पोर्शन पैसेंजर का था वो तो रेस्ट में है, लेकिन आप जो अबव पोर्शन है उसकी बॉडी का, वो तो मोशन में आ गया ट्रेन के साथ, तो वो मोशन का विरोध कर रहा है, अपोज कर रही है बॉडी मोशन को, इसलिए जैसे ही ट्रेन या बस स्टार्ट होती है, सडनली मूव करना स्टार्ट कर जाए रेस्ट से, तो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या होता है, लीव कर जाता है, यानी मूव कर रहती है, कर जाता है पैसेंजर। ठीक, तो ये तो हो गया एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और बहुत सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये रेस्ट में है, और इसको अचानक आप बहुत तेजी से झटक दीजिए, तो क्या होगा, ये तो आपका क्या रेस्ट मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल इसमें लगे हुए थे वो क्या हुआ, रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, इस बॉडी से अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक एग्जांपल आपका हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेकेंड देखिए यहां, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जरा देखिए क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ मोशन आपकी है क्या, जरा देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यानी इनर्शिया ऑफ मोशन को अगर आप डिफाइन करें तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यानी जो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। दिस प्रॉपर्टी, दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल ले लीजिए,
और वही एग्जांपल को रिपीट कर दीजिए बस या ट्रेन का। अब पैसेंजर अगर आपका बस या ट्रेन में बैठा हुआ है और बस और ट्रेन मूव कर रही है, क्योंकि जब मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है और जो ट्रेन है या बस है वो दोनों मोशन में है। ठीक। अब जब दोनों मोशन में है, अचानक ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहा है पैसेंजर, अचानक अगर ब्रेक अप्लाई कर दे ड्राइवर, तो होगा क्या कि जो बस है, अगर आप बस में जा रहे हैं या पैसेंजर बस में जा रहा है और व्यक्ति अचानक एक्सीडेंटली सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे, तो बस क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी। और जब बस रेस्ट में आ जाएगी तो जो पैसेंजर है वो तो बस के साथ मोशन में जा रहा था, मूव कर रहा था, तो जो टच उसकी जो बॉडी है बस से वो तो टच में है, लेकिन अवग जो पार्ट है वो तो टच में है नहीं, तो वो तो मोशन में ही जाना सोचेगा, लेकिन जो टच में बॉडी है बस के वो रेस्ट में आ जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आप या पैसेंजर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि वो मोशन में ही जाना चाह रहा है, लेकिन बस अब क्या हो गई, स्टॉप हो गई है, ब्रेक अप्लाई कर दिया ड्राइवर ने। ठीक। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया इनर्सिया ऑफ मोशन का। थर्ड आपके क्या है, थर्ड आपका है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन को अगर आप डिफाइन करें, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट्स ट्राई टू रिजिस्ट अ चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी इसकी कोई बॉडी है, उसकी वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लेते हैं किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जैसे बॉडी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसके अंदर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तो अगर मान लेते हैं ये बस है, अचानक यू मूव कर जाए, तो जो बॉडी जो पैसेंजर बैठा हुआ है उस मोशन को क्या कर रहा है, अपोज करेगा। जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी बस, बॉडी क्या करेगी, इस उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होने का बॉडी अपोज कर रही है। जो एग्जांपल है आपका कि अगर बस में कोई पैसेंजर है, बस मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में पैसेंजर जा रहा है, और जैसे ही जो बस है वो डायरेक्शन चेंज करेगी तो बॉडी तो वही डायरेक्शन में जाना चाह रही है, जो पैसेंजर है उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो उस बस की डायरेक्शन का चेंज होने के अपोज करेगी, जो करेगा जो पैसेंजर, वो बस अगर इस डायरेक्शन में मूव किया है तो पैसेंजर इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप्स की इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन आपकी है, एक इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों मेरे तरफ मैंने एग्जांपल दिया है तीनों का, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनर्सिया ऑफ मोशन के, भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के, भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, हाउ टू डिफाइन द लीनियर मोमेंटम एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लीनियर मोमेंटम को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर
मोमेंटम एंड डिनोटेड बाई स्मॉल पी, यानी जो लीनियर मोमेंटम है आपका बॉडी उसको अगर कैलकुलेट करना हो आपको, तो अगर बॉडी का मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी आ जाएगी। यानी P इज इक्वल टू एम इंटू वी। और देखिए अगर आप, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत होगा। ठीक, अब इसका जरा यूनिट क्या होगा लीनियर मोमेंटम का, तो यहां से यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए फार्मूले से। मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या आ गया आपका लीनियर मोमेंटम का, किलोग्राम मास पर सेकेंड। और अगर इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो लीनियर मोमेंटम की, तो डायमेंशन कैलकुलेट कर दीजिए। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एम एल टी माइनस वन, यानी यूनिट इसका हो गया किलोग्राम मास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और जो डायमेंशन इसकी हो गई एम एल टी माइनस वन। ठीक, अब इसमें हम कंपेयर करेंगे किसी दो बॉडीज को लेकर के, कि अगर एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, डिफाइन तो हमने कर ही दिया लीनियर मोमेंटम को, कि कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। अब अगर आप दो बॉडी ले लीजिए, एक हैवी बॉडी है और दूसरी क्या है, लाइट बॉडी है। मान लेते हैं एक कार है जिसका मास m1 है, मोमेंटम p1 है। एक ट्रक ले लेते हैं जिसका मास m2 है, मोमेंटम p2 है। ये एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे। सपोज अ कार ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ कार इज p1 एंड मोमेंटम ऑफ ट्रक इज p2। इफ द बोथ बॉडीज, इट मीन्स कार एंड ट्रक, ट्रेवल इन सेम वेलोसिटी v, यानी सेम वेलोसिटी से अगर ये दोनों मूव कर रही हैं, तब हम इनके मोमेंटम को कंपेयर करेंगे। यानी ये कार और ये ट्रक दोनों की जो वेलोसिटी है v है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू m1 v, ये तो हो गया कार का मोमेंटम, और जो p2 इक्वल टू m2 v, ये हो गया ट्रक का, ट्रक का मोमेंटम हो गया। अब इन दोनों को जरा डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1V अपॉन M2V। और आप जानते हैं जो ट्रक का मास है वो कार के मास से ज्यादा होता है, इट मीन्स M2 इज ग्रेटर देन M1 होता है। जो ट्रक का मास है वो कार के मास से ज्यादा होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये V और ये V कैंसल हो जाएगा, यानी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। और यहां से अगर आप P2 की वैल्यू फाइंड आउट करें
यानी पी टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम टू अपॉन एम वन इंटू पी वन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो बॉडी, एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, लाइट मीन्स हल्का, हल्की है, तो जो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, हैवी बॉडी का होगा। यानी नाउ इफ एम टू इज ग्रेटर देन एम वन, इट मीन्स द मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, देन द मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ कार। इफ बोथ बॉडी मूविंग आर इन सेम वेलोसिटी, ठीक है। यानी क्वेश्चन आता है ये, इसमें एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर दो बॉडी हैं, एक हैवी बॉडी है एक लाइटर बॉडी है, बोथ आर मूविंग इन सेम वेलोसिटी, देन ग्रेटर मोमेंटम किसका होगा? हैवी बॉडी का मोमेंटम ग्रेटर होगा या लाइटर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा? तो हमने यहां से आपको दिखा दिया कैलकुलेट करके, इफ द टू बॉडी मूव इन सेम वेलोसिटी बट द मास ऑफ हैवी बॉडी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ लाइटर बॉडी, देन द मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ लाइटर बॉडी। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद जरा देखिए दूसरा, जरा इसी में अगर आप इसमें जरा नेक्स्ट ले लीजिए, एक द कार एंड द ट्रक आर मूविंग विद रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू एंड हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। यानी अगर कार का जो मास था वो क्या था, एम वन था, और जो वेलोसिटी आपकी है वो वी वन है, और इसका जो मोमेंटम हम ले लेते हैं पी ले लेते हैं, और जो ट्रक है उसका मास क्या है, एम टू है, और जो वेलोसिटी इसकी वी टू ले लेते हैं, मोमेंटम पी ले लेते हैं। अगर सेम मोमेंटम हम ले लें तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा पी, अगर हम कार का मोमेंटम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम वन वी वन हो जाएगा, ये तो हो गया कार का। और अगर हम ट्रक का मोमेंटम भी सेम हमने लिया है, यानी एम टू वी टू, ये क्या हो गया आपका, ट्रक का हो गया। और इन दोनों इक्वेशन को जरा डिवाइड कर दीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, P अपॉन P इज इक्वल टू एम वन वी वन अपॉन एम टू वी टू। और यहां से आप जरा P और P कैंसिल कर दीजिए, ये P और ये P कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, ये हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन। और यहां से अगर आप वी टू कैलकुलेट करें, वी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, या वी वन इक्वल टू आ जाएगा एम टू अपॉन एम वन इंटू वी टू। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो कोई बॉडी है, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है, और उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो जो लाइटर बॉडी होगी वो हैवियर बॉडी से ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी।
ये शो कर रहा है वी वन ग्रेटर देन वी टू हो जाएगा यहां पर, इट मीन्स एम वन इज लेस देन एम टू, यानी अगर मास आपका जो एम वन कार का मास एम टू से लेस है, या आप ये कह दीजिए मास ऑफ ट्रक ग्रेटर देन एम वन, देन द वेलोसिटी ऑफ कार इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक इफ बोथ मूविंग इन सेम लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर दो बॉडी आपकी है, एक हैवियर बॉडी है एक लाइटर बॉडी है, और वो सेम मोमेंटम से मूव कर रही हैं, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये भी हमने कैलकुलेट करके बता दिया किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कार की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सेम इससे पहले हमने क्या किया था, अगर सेम वेलोसिटी से दो बॉडी मूव कर रही हैं, तो उनका मोमेंटम किसका ग्रेटर होगा, हैवियर बॉडी का मोमेंटम ग्रेटर होगा। ठीक, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से जितने भी ये पॉइंट हैं आपको समझ में आ गए होंगे। पहले हमने डिस्क्राइब किया था फोर्स, और उसको हमने बताया था क्या होता है, ये एक्सटर्नल एफर्ट होता है, ठीक है, जो पुल और पुल कर सकता है, या पुश के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर देता है, कर देता है। उसके बाद हमने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसके बाद इनर्सिया एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्सिया एंड एग्जांपल्स ऑफ इनर्सिया एंड देन लीनियर मोमेंटम। ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, क्योंकि ये आगे अभी हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे लीनियर मोमेंटम, खासकर इसके फार्मूले तो हम अप्लाई ही करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम फिर एक लेकर के आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जो लोग हमारे लेक्चर वीडियो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनके पास न्यू लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और वो कोई भी टॉपिक उनका मिस ना हो, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक आपका मिस हो गया तो आपके समझ में नहीं आएगी फिजिक्स। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम फिर लेके आएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यू लेक्चर वीडियो लेके आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।